नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में मौसम को लेकर। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अब प्रदेश के लोगों को तेज़ धूप से और साथ साथ उमस से जो है राहत मिलने वाली है। बता दें कि इस गर्मी के कारण प्रदेश में बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में अगले 72 घंटे को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में तेज़ आंधी के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। राजधानी पटना में आंधी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि बिहार से एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। प्रदेश के पिछले दिनों को अगर हम बारिश की बात कर लें तो ठाकुरगंज में 56.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं किशनगंज में 39.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि तैयबपुर में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्णिया में 33.4 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। पूर्णिया को लेकर मौसम विभाग ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं दरभंगा में 28.2 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में बारिश को लेकर बोलते हुए पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण उत्तर बिहार में जमकर बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर बिहार के 9 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर बिहार और दक्षिण पूर्वी बिहार के जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज़ हवा का प्रभाव होने की बात कही गई है। बताया गया है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मेघ गर्जन के साथ तेज जो है बारिश भी होगी। बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति यह थी कि दिन चढ़ने के साथ साथ सड़कें सुनसान हो जाती थी, जिससे एक तरफ जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं व्यापार को लेकर भी जो है खासा नुकसान हुआ था। इस दौरान अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, खासकर बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद से अब लोगों को यह उम्मीद है कि गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे में अब देखना है कि प्रदेश में बारिश जैसे हालात कब तक रहते हैं। हालांकि मौसम विभाग इस बार बिहार में मानसून सामान्य से ठीक रहने की बात कही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मौसम सक्रिय होने से पहले बिहार में बारिश होने की पूरी संभावना है। तो एक तरह से कह लें कि जिस तरह की गर्मी हीट वेव की स्थिति बिहार में थी, अब उससे जो है लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक टर्फ लाइन गुजर रहा है, जिसके कारण जो है बिहार में कई जिलों में जो है बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।